हेलो डियर की IIST एस्पिरेंट्स एंड इसरो के भावी इंजीनियरों, कैसे हो सभी लोग? सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी रिगार्डिंग द कि भैया इस बार IIST का क्या सारा सीन रहने वाला है, बिकॉज माई ड्रीम इज गोइंग टू इसरो, राइट? एंड मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो कि JEE की प्रिपरेशन के साथ भी अपने व्हाट्सएप पे लोगों तक इसरो का लगा लेते हैं कि माई ड्रीम इज इसरो, हैशटैग इसरो, व्हाट्सएप पे भी इसरो लगा रहता है, फेसबुक पे भी इसरो लगा रहता है, यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है अपने चेहरे के ऊपर जो है इसरो का लोगो लगा लिया है कि हैशटैग इसरो के लिए जीत जान दे देंगे, हैं क्या चीज़ है ये JEE मेन, राइट? ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्या सारा सीन है इस बार जो भी IIST है, और बेसिकली भैया कितना रैंक लाना पड़ता है IIST में एडमिशन के लिए, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और कौन सा ब्रांच वहाँ का सबसे बेस्ट है, और क्या प्लेसमेंट का सारा सीन है? सर, जनरली जो क्या होता है, इतने साल जो था कि जो है आपको 75% लानी पड़ती थी 12th क्लास में, लेकिन पिछले 2 साल से ड्यू टू COVID-19 के कारण 75 वाला क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया था, ठीक है? अब अगर अपन इस साल की बात करें तो JEE एडवांस में भी 75 का क्राइटेरिया हटा दिया गया है, बिकॉज क्योंकि यार पिछले कुछ दिनों से जो है कोविड की सेकेंड जो वेव आई थी, तभी जो स्टूडेंट की जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन ही लग रही थी, ओके? उससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट की स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली बिहार एंड राजस्थान एंड मेनी मेनी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे क्लासें एंड एजुकेशन प्रॉपरली मिल पाना बहुत मुश्किल था। जो है इन कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए JEE ने ये डिसाइड किया कि इस बार के लिए 12th का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 75 का, उसको हटा दिया जाना चाहिए। बेसिकली अगर JEE एडवांस में हटा दिया गया है तो सिंपली ये प्रूव होता है कि IIST भी हटा देगा, ओके? आप इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहें। यार अब रही बात अपने रैंक की कि भैया कितने रैंक पे हमें कॉलेज मिल जाएगा। सर, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि अगर मैं बात करूँ IIST में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके? एप्लीकेशंस तो बहुत सारे आते हैं लेकिन सीट्स आर वेरी फ्यू सीट्स अवेलेबल। जो है जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, जो IIST के रैंक के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो IIST के जो रैंक के हिसाब से एटलीस्ट जनरल वाले 900 से 1000 बच्चे होते हैं जो भी IIST में अप्लाई करते हैं, जनरल वाले उनका हो जाता है। एंड SC ST वाले बच्चे जो IIST के रैंक के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर अपन JEE एडवांस की अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है? JEE एडवांस इतने साल तो ऐसा चल रहा था जिन भी स्टूडेंट्स के JEE एडवांस के अंदर एटलीस्ट 9-10 हज़ार तक आती थी, ठीक है, तो उनका हो जाता था। लेकिन यार कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है इन फ्यूचर। पहले जो है 10 हज़ार तक हो रहा था, फिर 8 पर चलता जा रहा था, ठीक है, 8.5, 8, 9 ऐसे ऐसे सारा कुछ सीन चल रहा है। एंड इट्स डिपेंड ऑन योर मार्क्स एंड योर रैंक, हो सकता है 11 पे भी हो जाए, राइट? हो सकता है 7 पे भी ना हो, ओके? एंड सबसे ज़्यादा तो डिमांडेड कोर्सेज है इन IIST, दिस इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंड एक जो है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है अवियोनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है। लेकिन ऑलमोस्ट स्टूडेंट का ये इंटरेस्ट होता है कि भैया मेरे को एरोस्पेस पढ़ना है, राइट? यार एरोस्पेस द वेरी बेस्ट कोर्स, ठीक है, फॉर योर स्टडी डिजर लाइफ, राइट? एंड मतलब आप एटलीस्ट जो है अर्थवी पे जो रहना बंद कर देते हो एंड यू आर लिविंग इन दस लाइक गैलेक्सीज एंड आउट ऑफ अर्थ, ऐसा हमको लगता है, ठीक है, रियल में होता नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे तो मतलब आउट ऑफ अर्थ तो क्या क्लास में भी नहीं बैठ सकते, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एरोस्पेस के कॉलेजेज मैंने देखे हैं, राइट? सो दिस इज़ द रियलिटी। तो जस्ट आप पहले ज़रूर चेक करिए, एंड अगर अपन JEE एडवांस की बात करें तो JEE एडवांस में अच्छे से परफॉर्म करिए। प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो यार प्लेसमेंट डायरेक्टली जो है UG वालों का हो जाता है, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी कर दिए गए हैं आजकल, एंड कुछ CGPA मेंटेन करना पड़ता है आपको, 6 point कुछ CGPA जो कि उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप उतने मार्क्स ले आते हैं देन यू आर एलिजिबल। हालांकि इस बार जो है फीस भी बढ़ा दी गई है IIST की जनरल वालों के लिए, 1 लाख तक आई थिंक कर दी गई है, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड SC ST वालों के लिए रिलैक्सेशन है, वैसे उनके लिए नहीं है। यार जो है IIST के लिए हमारा मिशन सक्सेसफुल
IAST सब्सक्रिप्शन प्लान चल रहा है, तो जस्ट यू कैन इनरोल नाउ आफ्टर द JEE एडवांस रिजल्ट, जिसके अंदर जो है हमारी टीम सारा का सारा सिस्टम करती है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, बिकॉज यार इसकी जो काउंसलिंग है दिस इज़ वेरी कंजस्टेड, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन नॉर्मल होती है। बेसिकली सारा का सारा हम यूट्यूब पे बता देते हैं, लेकिन आपको और भी कोई हेल्प चाहिए देन आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, जिसके अंदर हमारी टीम फुल ट्राई करते हैं कि आपका हो जाए। अगर बाई चांस नहीं हो पाता है देन ही विल प्रोवाइड योर रिफंड एंड प्रोवाइडिंग एडमिशन इन अच्छे अच्छे NITs, IITs, इन जोसा काउंसलिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेज, ओके जस्ट लाइक बिट्स प्लानी, SRM, वेलोर इंस्टीट्यूट, ओके। एंड और अगर मैं आपको IIST के बारे में बताऊँ तो यार जस्ट जो है इसके अंदर बेसिकली हमारे अभी क्लास सेशन भी लग रहा है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस फील्ड के बारे में भी नहीं पता कि व्हाट इज़ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ द रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ओके एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एरोस्पेस, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एरोनॉटिकल, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एविनेशन। अगर आप अभी CS चूज कर रहे हो, अभी आप एविनेशन ले रहे हो, अभी आप एरोस्पेस ले रहे हो, आने वाले 10 साल बाद आपकी कितनी सैलरी होगी, क्या जॉब होगी, क्या नहीं होगा, सारा का सारा आपको गूगल मीट पे क्लासें होती है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। सो यू कैन चूज द जस्ट लाइक ए सब्सक्रिप्शन प्लान विद एन IIST प्रोग्राम रेशन। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी आपका कोई डाउट रह गया हो, क्वेश्चन रह गया हो, तो आप जो है मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ओके। एंड आप कुछ पिछले सालों के जो है कट ऑफ वगैरह चेक कर सकते हो, जो कि आपको IIST की वेबसाइट पर मिल जाएंगे स्टेटिक्स ऑप्शन के अंदर। जैसे 2019-21 की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग परसेंटेज ऑफ JEE एडवांस 2021 मार्क्स वहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एरोस्पेस जनरल कैटेगरी 46.67 परसेंटाइल से ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 26.94 परसेंटाइल पे एरोस्पेस के लिए। वही बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन 50 पे स्टार्ट हुआ, 26 पे ख़त्म। वही ड्यूअल डिग्री 41 से स्टार्ट हुआ, 27 पे ख़त्म, राइट। एंड SC वालों के लिए 21 से शुरू हुआ, 8 पे ख़त्म हुआ, ओके। सो जस्ट ये सारा सीन है। एंड यहाँ पे जो है कुछ रैंक भी दी गई है अकॉर्डिंग टू द IIST UG रैंक, ओके। सो जस्ट यू कैन चेक नाउ। एंड बेसिकली एडमिशन में क्या सारा सीन होता है यार, पहले जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर अपन इसके टाइम टेबल की बात करें कि भैया कब आने वाला है इसका जो भी है, तो जो भी है आप अगर इसकी एडमिशन प्रोसेस पे जाएंगे 2000 वाले पे, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त ऐसे कुछ दिया है, आई थिंक वन सेकेंड। जो IIST का जो एडमिशन प्रोग्राम है अभी जो है PhD एंड MTech वगैरह गेट के थ्रू एडमिशन चल रहे हैं सर्वर पे, तो अगर आप 2022 एडमिशन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ब्रोशर के अंदर रिलीज किया जाएगा, और इसकी जो सारी डिटेल है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रिलीज कर दी जाएगी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द JEE एडवांस रिजल्ट। तो आपको जो है बेसिकली क्या करना होता है, आपको जस्ट अगर मैं बताऊँ तो यार द UG एडमिशन 2022 ब्रोशर विल बी रिलीज बाई फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2022 and the tentative important dates related to UG admission 2022 will be published after the JEE advance examination. So आपको क्या करना होता है, आपको basically जो है पहले अपना application form fill करना होता है, उसकी कुछ फीस होती है 800 रुपये होती है, I think जो भी student belong करते हैं general OBC से, okay। आप जैसे 800 रुपये पे करते हो एंड आपकी सिंपल डिटेल जैसे JEE एडवांस की डिटेल वगैरह डाल देते हो, फिर क्या होता है वो अपने आप ही आपके रैंक वगैरह फेच कर लेता है, ओके। फिर जो है राउंड चलते हैं आपके, जैसे 2-3 राउंड हो गए, फिर उसके बाद में री इवेल्युएशन होता है, यानी कि आप जिंदा हो ना, ठीक है। री इवेल्युएशन का मतलब होता है कि आप जिंदा हो, आप री इवेल्युएशन में अप्लाई कर देते हो देन यू आर अप्लीकेबल फॉर आगे की काउंसलिंग के लिए। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट री इवेल्युएशन के लिए नहीं कर पाए थे, हमने वीडियो पे वीडियो डाले थे, आप देख सकते हो पिछले साल के एडमिशन प्रोसेस। फिर थोड़ा 2-3 प्रोसेस राउंड चलते हैं, फिर से री इवेल्युएशन होती है, ठीक है। आई थिंक 3 या 2 री इवेल्युएशन होती है एंड ये 7 से 8 राउंड के बाद होता है री इवेल्युएशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जिंदा हो ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर